Good morning, students. This is your GK class. Today in this class, we are going to study chapter 9 in your GK book. So students, let's open page number 15 in your GK book. Now see on the top of the page. There is chapter 9. Chapter 9 is about the topic Indian royals. Students, in this chapter, we are going to study about Indian royals. Now start read. India, within a passage of 1,000 years, has seen several conquerors, rulers, dynasties, and empires. Our country, India, है ना? हमारी जो country है, India. इधर 1,000 years में different conquerors थे, different rulers थे, different dynasties था, and different emperors भी थे. Let us take a look at some of the greatest kings that ruled this land. So, चलो पढ़ते हैं कुछ greatest kings के बारे में जिन लोग past time India में rule किए थे. Maharana Pratap was a Hindu Rajput ruler of Mewar. Maharana Pratap एक Hindu Rajput ruler थे Mewar का. He was one of the greatest warriors among the Rajputs. Rajputs लोगों में से, Rajput king में से, Maharana Pratap एक greatest warrior थे. He refused to submit to the suzerainty of the Mughal emperor, unlike the other Rajput princely states. Other जो दूसरे राजपूत प्रिंसली स्टेट्स था. उनमें से महाराणा प्रताप बिल्कुल अलग थे, डिफरेंट थे. उन्होंने मुगल एम्पायर को सुजरेंटी देने में रिफ्यूज किए थे, है ना? नाउ सी अबाउट टीपू सुल्तान. टीपू सुल्तान ऑल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर वॉज द रूलर ऑफ द सुल्तानेट ऑफ मैसूर. टीपू सुल्तान को हम जानते हैं टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से. टीपू सुल्तान को हम जानते हैं टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से. उन्होंने द सुल्तानेट ऑफ मैसूर का एक रूलर थे. ही फॉट मेनी वॉर्स विथ द ब्रिटिश. टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश के साथ बहुत सारे वॉर्स में फाइट किए थे. He passed away at Seringapatnam during the course of his battle against the British. उनका मौत हुआ था, उन्होंने शहीद हुए थे एक बैटल में ब्रिटिश के अगेंस्ट में. ओके, टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था एक बैटल में ब्रिटिश के अगेंस्ट में. वो बैटल हुआ था और उनका उस बैटल में डेथ हुआ था. वो सेरिंगापट्टनम नाम का एक प्लेस में. ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ टीपू सुल्तान. नाउ सी पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान वॉज अ किंग ऑफ द चौहान चहमाना डायनेस्टी हु रूल्ड द किंगडम ऑफ अजमेर एंड दिल्ली. पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी का एक किंग थे जिन्होंने अजमेर एंड दिल्ली किंगडम को रूल किए थे. ही सक्सीडेड टू द थ्रोन एट द एज ऑफ 13 in the year 1179 when his father died in a battle.
जब पृथ्वीराज चौहान का पापा का डेथ हो गया था एक बैटल में, तब ओनली 13 साल एज में उन्होंने उस डायनेस्टी का थ्रोनी लिए थे 1179 साल में, जब उनका एज 13 साल था। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ पृथ्वीराज चौहान। रंजीत सिंह वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन पंजाब। रंजीत सिंह पंजाब का जो सिख एम्पायर है उसका फाउंडर है। ही ब्रॉट द एंटायर सेंट्रल पंजाब अंडर हिज रूल थ्रू हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन। उन्होंने अपना एबल एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से पूरे पंजाब को रूल किए थे। ओके, दिस इज द पिक्चर ऑफ रंजीत सिंह। चंद्रगुप्त फर्स्ट वॉज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता डायनेस्टी का जो फाउंडर है उनका नेम है चंद्रगुप्त फर्स्ट। दिस इज द पिक्चर ऑफ हिम। ही फॉर्म्ड मेनी अलायंसेस विथ अदर किंगडम्स थ्रू मैरिजेस। उन्होंने दूसरे किंगडम के साथ मैरिज के थ्रू बहुत सारे अलायंसेस फॉर्म किए थे। ही कॉल्ड हिमसेल्फ एज महाराजा धीरज विच मीन्स किंग ऑफ किंग्स। उन्होंने खुद को बोलते थे महाराजा धीरज, जिसका मतलब है किंग ऑफ किंग्स, मीन्स राजा का राजा। समुद्रगुप्त वॉज द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त फर्स्ट का एक सक्सेसर थे एंड उन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का एक बहुत अच्छा किंग थे। ही इज सेड टू हैव यूसर्ड इन द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। उनको गोल्डन एज ऑफ इंडिया का यूसर्ड बोला जाता है। छत्रपति शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर विच लस्टेड अंटिल 1818। छत्रपति शिवाजी मराठा एम्पायर का एक फाउंडर थे जो एम्पायर 1818 तक लास्ट किया था। उसका लॉन्जिविटी था उस एम्पायर का 1818 तक। He inspired and united the Maratha people to fight against the Adil Shahi Sultanate of Bijapur and the Mughal Empire. Chhatrapati Shivaji ne pure Marathi jitne people the sabko inspire kiye the Adil Shahi Sultanate of Bijapur and Mughal Empire ke against mein fight karne ke liye. His motive was to establish a Hindavi Swarajya, self-rule of Hindus. उनका जो मोटिव था वो था हिंदूज का एक सेल्फ रूल फॉर्म करना, उनका मोटिव था। The most famous king of the Chola kingdom was राजा राजा चोला। ही बिल्ड द राजा राजेश्वरम टेम्पल एट थंजावुर। चोला किंगडम जो है चोला किंगडम का एक फेमस किंग थे राजा राजा चोला, जिन्होंने थंजावुर में राजा राजेश्वरम टेम्पल बनाए थे। ओके,
Rani Lakshmibai was the queen of the Maratha-ruled princely state of Jhansi. Rani Lakshmibai, एक मराठा रूल्ड प्रिंसली स्टेट ऑफ झांसी का क्वीन थे. सी वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ द इंडियन रिवोल्ट ऑफ 1817 ईयर में इंडियन रिवोल्ट जो हुआ था, उस रिवोल्ट में लक्ष्मी बाई रूल किए थे. ओके, अशोका बिलोंग्ड टू द मौर्य डायनेस्टी and reigned over most of the Indian subcontinent. Ashoka Maurya dynasty ka ek king the. Unhone India ka jo most of the subcontinent hai, sare subcontinent mein unhone reign kiye the. He put many efforts for spreading Buddhism globally. Unhone बुद्धिज्म फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए बहुत एफर्ट लगाए थे. द एम्ब्लेम ऑफ मॉडर्न इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका. द एम्ब्लेम ऑफ मॉडर्न इंडिया है ना, मॉडर्न इंडिया का जो एम्ब्लेम है वो लिया गया है लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका से. राजा भोजा was a philosopher king and polymath of medieval India who ruled the reign of Malwa in central India. Raja Bhoja ek philosopher king the and medieval India ka ek polymath the jinhone central India ka region of Malwa udhar rule kiye the. He belonged to the Paramara dynasty. उन्होंने Paramara dynasty से belong किए थे. Hemu was a chief minister of Siuri dynasty in North India. Hemu North India का Siuri dynasty का chief minister थे. He assumed the title of Vikramaditya and claimed royal status after emerging victorious against the Mughal forces. उन्होंने विक्रमादित्य टाइटल लिए थे और मुगल फोर्सेस के अगेंस्ट में उनका विक्ट्री होने के बाद उन्होंने अपना रॉयल स्टेटस क्लेम किए थे. बाजीराव फर्स्ट वॉज अ ब्रेव जनरल ऑफ द मराठा एम्पायर इन इंडिया. बाजीराव फर्स्ट एक ब्रेव जनरल थे मराठा एम्पायर का इंडिया का. थ्रू हिज एबल एडमिनिस्ट्रेशन मराठा एम्पायर एक्सपांडेड इन द नॉर्थ इंडिया. अपने एबल एडमिनिस्ट्रेशन के हेल्प से मराठा एम्पायर बहुत ही एक्सपांड किया था नॉर्थ इंडिया में. बाजीराव फर्स्ट इन्होंने किए थे. इन हिज ब्रीफ मिलिट्री करियर Spanning 20 years, Bajirao never lost a single battle. 20 years का मिलिट्री फोर्स में उन्होंने टाइम बिताए थे और उन्होंने कभी किसी बैटल में नहीं हारे थे. उसका हर टाइम विक्ट्री हुआ था. ओके, सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी दिस होल चैप्टर प्रॉपरली. These all are related to history and you have to study all about these.